मध्यावकाश में भोजन उपरांत भोजन करने के उपरांत मैं जैसे ही दूसरी विंग में गया तो प्रधानाचार्य जी वहाँ से गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिए जो है, और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जो है उन्होंने अपना जूता उतारा और जूता जो है हमारे ऊपर चला दिया। उसके बाद लगातार उन्होंने 2-3 बार जूते से मारने का प्रयास किया। इसके बाद उन्होंने अपने लड़के को फ़ोन लगाया तो लड़के को फ़ोन लगाने के बाद लड़का आया और उसने करीब 2-3 लोगों के साथ मिलकर के वो आया विद्यालय के अंदर, विद्यालय समय में मारपीट की। मारपीट करने की वजह कुछ नहीं थी, केवल मध्यावकाश के समय में 5 मिनट भोजन कर रहा था, खाना खाने के बाद 5 मिनट पीरियड में लेट हुआ था। इसकी वजह से उन्होंने मारपीट प्रारंभ की। घटना हुई, हम वहाँ सामने दूसरी विंग में 13 कमरा नंबर के सामने बैठे हुए थे। प्रधानाचार्य जी आए तो उन्होंने कहा कि भाई आपने घंटा में क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि साहब हम सुबह से लगातार 4 घंटे लगातार हम लड़कों को इकट्ठा करके पूरा पढ़ा दिया है और हम लगातार हम पढ़ाते रहे 4 घंटे, अब लड़के नहीं हैं तो हम किन को पढ़ाएँ। भाई इतने कहा कि नहीं आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। हमने कहा साहब हम तो 4 घंटे लगातार पढ़ाए ही, उन्होंने ऐसा कहा। इसने कहने के बाद फिर उन्होंने माँ बहन की गाली देने लगे और उतार करके जूता मार दिया सीधे। ये घटना है जी। अभी आप किससे शिकायत करने आए हैं? हम थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर साहब मुरानीपुर से करने आए हैं, थाना प्रभारी। हम चाहते हैं कि प्रधानाचार्य के विरुद्ध सख्त सख्त और उसके लड़के गिरीश कुमार गुप्ता के विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई हो।